जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप एकदम जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी के बारे में कि भाई सर एसएससी में 50,000 से ऊपर ज्यादा वैकेंसी आ रही है। मतलब ये वर्ष वो वर्ष है जिस वर्ष आपको नौकरी मिलेगी, क्योंकि इस बार इतनी वैकेंसी आने वाली है कि हर बच्चा जॉब पाएगा। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो पक्का इस बार जॉब पाएगा। इतनी ज्यादा वैकेंसी आ रही है, बैक टू बैक वैकेंसी है। ये तो एसएससी की वैकेंसी है, इसके अलावा यूपी पुलिस में वैकेंसी आ रही है, लेखपाल की वैकेंसी आएगी, वीडियो की वैकेंसी आएंगी, इतनी सारी वैकेंसी आएंगी मेरे प्यारे बच्चे। इस बार मन लगा के पढ़ लीजिए और देखिएगा सिलेक्शन आपका पक्का होगा। कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है, कहां कहां से कितनी पोस्ट आ रही है, कितनी कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या करना है, वो सारी स्ट्रेटजी जानते हैं। क्या है एसएससी के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आने वाली है, उससे पहले क्या करने वाले हैं सभी बच्चे, क्या करेंगे, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। कितनी वैकेंसी अभी जस्ट आने वाली है उसके बारे में हम सारी जानकारी लेते हैं। बैक टू बैक वैकेंसी आ रही है, ध्यान दीजिएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चे बात करें सबसे पहले वैकेंसी की, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल की जो बच्चा तैयारी कर रहा है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सीजीएल की जस्ट वैकेंसी अभी मिलने वाली है आपको। इसका एडवर्टाइजमेंट आने वाला है 1 अप्रैल, जस्ट 1 अप्रैल आने वाला है। 1 अप्रैल को सीजीएल की वैकेंसी तुरंत लॉन्च हो जाएगी और इसका जो क्लोजिंग डेट रहेगा वो 1 मई 2023 रहेगा, है ना। ये वैकेंसी 1 अप्रैल को आएगी, 1 मई को फॉर्म भरने की लास्ट डेट खत्म हो जाएगी। मतलब 1 मंथ का समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन मतलब जून जुलाई में इसका पेपर हो जाएगा, मतलब लगभग 3 महीने का समय दिया जा रहा है। समय बहुत कम मिल रहा है, तैयारी आज से ही स्टार्ट होगी। कब से स्टार्ट होगी, आज से ही तैयारी स्टार्ट होगी, तब ये पेपर आपका निकलेगा। एज की अगर बात करें तो अलग अलग पोस्ट होती हैं, पोस्ट के अकॉर्डिंग एज 18 से 32 साल है। कुछ पोस्ट की एज 18 से 27 वर्ष होती है, कुछ की एज 18 से 30 वर्ष होती है, कुछ की एज 32 वर्ष भी होती है ना। पोस्ट के अकॉर्डिंग जो कि अलग अलग पोस्ट होती हैं तो हर के लिए एज भी अलग अलग होती है। मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 32 साल तक एज होगी। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहां पर ग्रेजुएशन मांगा जाता है। सीजीएल की जितनी वैकेंसी आती है वहां पर ग्रेजुएशन मांगा जाता है। ये वैकेंसी जस्ट आपको दिखाई देने वाली है, 1 अप्रैल को इसका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, क्लियर है। दूसरी कौन सी वैकेंसी है जो आने वाली है, ध्यान दीजिएगा। एक दूसरी वैकेंसी आने वाली है सीएचएसएल की। किसकी वैकेंसी आने वाली है, सीएचएसएल की वैकेंसी आने वाली है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 की वैकेंसी आने वाली है। इसका डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट की बात करें कि इसका एडवर्टाइजमेंट कब तक आ जाएगा, तो 9 मई 2023, मतलब 9 मई 2023 तक इसका फॉर्म इसका फॉर्म भरने की डेट आ जाएगी 9 मई 2023, और क्लोजिंग डेट जो रहेगी वो 8 जून 2023 रहेगी, है ना। और डेट ऑफ एग्जाम की बात करेंगे, एग्जाम कब होगा, तो इसका एग्जाम जुलाई और अगस्त में होगा। तो आप देख रहे हैं सीजीएल की वैकेंसी के 1 महीने बाद सीएचएसएल की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, और इसका समय भी आप देख रहे हैं लगभग 3-3.5 महीने का ही समय दिया जा रहा है। तो जो बच्चा सीएचएसएल को टारगेट इस बार लिए हुए है तो वो भी आज से ही तैयारी स्टार्ट करेगा, कल का इंतजार नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा समय नहीं मिल रहा है। अगर मेरे प्यारे बच्चे एज की बात करें तो यहाँ पर एज 18 से 27 साल है, और क्वालिफिकेशन आप देख रहे हैं सीएचएसएल के अंदर 12th पास हमें चाहिए। अगर आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बड़ी आसानी से नौकरी पा सकते हैं, एकदम आसान जॉब है, बड़ी आसानी से पार लेंगे, थोड़ा सा मन लगाकर पढ़ेंगे। तीसरी वैकेंसी जो हमें देखने को मिलेगी वो मिलेगी मल्टीटास्किंग, जिसे बोलते हैं एमटीएस। एमटीएस की जॉब हमें देखने को मिलेगी, मल्टीटास्किंग नॉट टेक्निकल स्टाफ एमटीएस हवलदार सीबीआईसीएन सीबीएन 2023, ये वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी। इसका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 14 जून। देख रहे हैं हर महीने एक नई वैकेंसी मिल रही है, हर महीने अप्रैल में सीजीएल, मई में सीएचएसएल, जून में एमटीएस। बताइए इतना अच्छा मौका कब मिलेगा नौकरी पाने का। अगर डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट आएगा 14 जून, क्लोजिंग डेट रहेगी 14 जुलाई, 1 महीने का समय मिलेगा। एग्जाम डेट देख रहे हैं अगस्त या सितंबर में इसका पेपर हो जाएगा। अभी जो पुराना वाला 2022 वाला दो एमटीएस है उसका भी एग्जाम होने को अभी बाकी है, उसका एग्जाम अभी हुआ नहीं है, उसका भी एग्जाम हो रहा है। ये नई वैकेंसी है जो आने वाली है अभी, है ना, पुरानी की बात नहीं कर रहा। उसका तो एग्जाम अभी अप्रैल में आ जाएगा, 15 अप्रैल से पेपर चालू हो जाएगा उसका, पर आप देख रहे हैं ये नई वैकेंसी मिलने वाली है आपको। अगर एज की बात करें तो 18 से 25 साल है इसके लिए एमटीएस के लिए, और हवलदार सीबीएन सीबीआईसी के लिए बात करें 18 से 27 वर्ष है।
क्वालिफिकेशन आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। CGL वाली वैकेंसी ग्रेजुएशन वालों के लिए, 10+2 वाली वैकेंसी CHSL वालों के लिए, और 12th वाली वैकेंसी CHSL वालों के लिए, और क्वालिफिकेशन आप देख रहे हैं 10th वाली जो वैकेंसी है ये MTS, जो 10th पास है वो MTS का फॉर्म डाल सकता है, जो 12th पास है वो CHSL और MTS दोनों डाल सकता है, जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो CGL भी दे सकता है, CHSL भी दे सकता है और MTS भी दे सकता है। ठीक है, आइए और कौन सी वैकेंसी देखने को मिल रही है। सब इंस्पेक्टर SI, ध्यान दीजिए बहुत बच्चे इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर SI इन दिल्ली पुलिस सेंट्रल आर्म फोर्स CAPF 2023, दिल्ली पुलिस के अंदर SI की भर्ती आने वाली है। इसका एडवर्टाइजमेंट अगर आप देखेंगे तो इसका एडवर्टाइजमेंट मिलेगा कब, इसका 20 जुलाई को इसका फॉर्म निकलेगा। क्लोजिंग डेट रहेगी 13 अगस्त 2023। ये एग्जाम की बात करें तो अक्टूबर में इसका पेपर हो जाएगा। एज की अगर बात करें 20 से 25 वर्ष इसकी एज रहती है। क्वालिफिकेशन यहाँ भी ग्रेजुएशन मांगी जाती है। ये सारी जानकारी मैंने कहाँ से निकाली है, ये SSC का जो कैलेंडर आता है ना, SSC का जो कैलेंडर जारी होता है वहीं से सारी जानकारी ली गई है। SSC के कैलेंडर में सारी वैकेंसी के बारे में प्रॉपर बता दिया गया है, कौन सी वैकेंसी किस महीने आने वाली, कौन सी डेट को आने वाली, किसका एग्जाम कब आएगा, मतलब SSC एकदम अपना टाइम टेबल एकदम सेट कर चुकी है, कब फॉर्म निकालेगा, कब एग्जाम कराएगा, कब रिजल्ट देगा, मतलब सारी चीजें एकदम सिस्टमैटिकली SSC के अंदर हो गई है। तो ये वैकेंसी भी हमें जल्द देखने को मिलेगी जुलाई के अंदर, किसकी, दिल्ली पुलिस की SI की वैकेंसी। उसके बाद देखेंगे जो बच्चे जूनियर इंजीनियर JEE की तैयारी कर रहे हैं, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी सर्वे और कॉन्ट्रैक्ट्स 2023, तो आप इसकी वैकेंसी की अगर बात करें तो इसका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 26 जुलाई 2023। कब आ जाएगा, 26 जुलाई को। क्लोजिंग डेट इसकी है 16 अगस्त 2023। एग्जाम की बात करें अक्टूबर में इसका भी एग्जाम होगा। एज की बात करें इसके अंदर भी अलग अलग पोस्ट होती है, तो इसकी अधिकतम एज कितनी ली जाती है, 32 वर्ष है ना। और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पूछा जाता है, और अगर आप इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल से बीटेक वगैरह, बीटेक वाले बीटेक डिप्लोमा वाले इन पोस्टों को अप्लाई करते हैं, है ना। तो जो बच्चे JEE बनना चाहते हैं उनकी वैकेंसी भी उन्हें देखने को मिलेगी 26 जुलाई में, जो SSC करवाती है। इसके अलावा अगली वैकेंसी है स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर में ग्रेड C और D के लिए वैकेंसी आ रही है। इसका एडवर्टाइजमेंट अगर बात करें 2 अगस्त 2023 को इसका फॉर्म निकलेगा। क्लोजिंग डेट रहेगी 23 अगस्त इसकी, है ना। एग्जाम की अगर बात करें तो अक्टूबर नवंबर में इसका पेपर हो जाएगा। एज की बात करें अगर ग्रेड C के लिए अप्लाई करेंगे 18 से 30 वर्ष इसकी एज मांगी गई है, और ग्रेड D के लिए 18 से 27 वर्ष। और क्वालिफिकेशन इसके अंदर 12th पास चाहिए। अगर आप 12th पास हैं तो ये वाली वैकेंसी मिलेगी। जो बच्चे स्टेनोग्राफर की तैयारी करते हैं उन्हें भी अपनी वैकेंसी मिलेगी अगस्त में देखने को। बहुत सारी वैकेंसी SSC की आ रही हैं, लगभग 50,000 से ऊपर पोस्ट आएंगी बेटा। अगर इस बार मन लगा के पढ़ लिए ना तो नौकरी पक्की है आपकी। और देखिए दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी जल्द। इसका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा 1 सितंबर 2023। इस पर मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एडवर्टाइजमेंट आएगा 1 सितंबर 2023। क्लोजिंग डेट रहेगी 30 सितंबर 2023। एग्जाम रहेगा इसका, एग्जाम की डेट ये गलत लिखी हुई है, एग्जाम मतलब मान के चलिए इसका एग्जाम नवंबर या दिसंबर में इसका एग्जाम होगा। नवंबर दिसंबर तक इसका एग्जाम होगा, लगभग 3 महीने का समय तो सब परीक्षाओं में दिया ही जा रहा है। नवंबर या दिसंबर में इसका एग्जाम होगा, किसका, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। एज की अगर बात करें 18 से 25 साल इसकी एज है। क्वालिफिकेशन की बात करें 12th पास मांगा गया है। मेरे प्यारे बच्चे इतनी वैकेंसी हमें देखने को मिलने वाली है, ये बैक टू बैक हर मंथ नई नई वैकेंसी आएंगी, और आप अपने आप को एकदम तैयार कर लीजिए क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट है, बल्क में वैकेंसी आएगी। इस बार अगर पढ़ लिए मन लगा के तो आपका नौकरी पाने का जो सपना देख रहे हैं, सरकारी नौकरी पाने का, वो सपना आपका इस बार पूरा हो जाएगा। तो तैयार हो जाइए इस बार की वैकेंसी के लिए। इतनी सारी वैकेंसी जस्ट अभी आपको देखने को मिलेंगी, ये सारी वैकेंसी SSC के कैलेंडर में दी गई है जो आपको देखने को मिलेंगी। और भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। सबसे पहले सब लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो चलिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, थैंक यू।